दोस्तों, बॉलीवुड की ऐसी अदाकाराओं के बारे में बात करें जिन्होंने भले ही कम फिल्मों में काम किया हो पर अपने आइटम डांस के जलवों से खूब सफलता हासिल की है, तो हम उन अभिनेत्रियों में एक नाम मान्यता दत्त का भी लेने से पीछे नहीं हटेंगे, जिनके ठुमकों पर एक समय दुनिया दीवानी थी। हालांकि आज ये इंडस्ट्री से दूर होकर एक सफल बिजनेस वुमेन बन चुकी है, पर आज भी इनके अदाओं को भुला पाना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, यूं तो आप अभिनेत्री मान्यता दत्त की लाइफ से जुड़ी हर एक बातों को बखूबी जानते हैं, पर शायद ही आपको इस बारे में मालूम होगा कि आपकी इस फेवरेट एक्ट्रेस ने जीवन में दो बार शादी के साथ फेरे लिए हैं, जिनमें इनकी एक शादी मुकम्मल रही तो दूसरी बदकिस्मती से असफल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं दो शादियों के बारे में बताने वाले हैं, तो देर किस बात की है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मान्यता दत्त की दोनों शादियों के बारे में। लेकिन इससे पहले इस बेहतरीन एक्ट्रेस के लिए एक लाइक तो बनता है। कभी बॉलीवुड के सिंघम के साथ गंगाजल फिल्म में आइटम नंबर से सभी के दिल को जीतने वाली, तो कभी सपूत, संजू और देशद्रोही जैसी फिल्मों में अभिनय के जलवे से सबका मन मोहते हुए नजर आई, बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर होकर ये खूब नाम कमा रही हैं। लेकिन अगर बात करें इनके निजी जीवन के बारे में, तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि अभिनेत्री मान्यता दत्त ने अपने जीवन में दो शादियां की हैं, जिनमें से आज वर्तमान में अपने दूसरे पति और बॉलीवुड इंडस्ट्री के संजू बाबा यानी कि संजय दत्त के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। वहीं बात करें इनकी और संजू बाबा की लव स्टोरी के बारे में, तो इन दोनों की पहली मुलाकात तब हुई थी जब अभिनेत्री मान्यता दत्त अपने करियर में काफी स्ट्रगल कर रही थी, जहां वो बी ग्रेड की फिल्मों में काम करती थी, और उसी दौरान इनके किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में अभिनेता संजय दत्त से मुलाकात हुई, जहां एक साथ काम करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे, जिसके बाद दोनों ने करीब दो सालों तक एक दूसरे को डेट किया और डेट करने के बाद देर न करते हुए साल 2008 में एक दूसरे के साथ शादी के साथ फेरे ले लिए, जिसके दो साल के बाद इनके घर में ट्विंस बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें से इन्होंने बेटी का नाम इकरा रखा है और बेटे का नाम शहरान, और आज ये अपने पति और दोनों बच्चों के साथ मुंबई में खुशहाल जीवन बिता रही हैं। वेल, ये तो रही मान्यता दत्त की दूसरी शादी की बात, जो आज भी कायम है। पर आपको बता दें, संजू बाबा से शादी करने से पहले इन्होंने एक और शादी की थी, जो कि साल 2003 में मिराज उल रहमान से शादी हुई थी, जो कि प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन थे। पर शादी के कुछ सालों बाद इनका और मिराज उल रहमान के रिश्ते में कड़वाहट आ गई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया, और इस तरह मान्यता दत्त अपने पहले पति से तलाक लेकर अभिनेता संजय दत्त के प्यार में पड़ी और उनसे शादी की, और आज उन्हीं के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। तो दोस्तों, आपको मान्यता दत्त और संजय दत्त की जोड़ी कैसी लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।